वेलकम टू मूवी डेरी चैनल। इस वीडियो के अंदर हम कई सारे मूवीज के अपडेट्स लेकर आ गए हैं। दिन भर सिनेमा रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक भी कर दीजिए। आपकी एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेशन देती है वीडियो बनाने के लिए। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, ड्रीम गर्ल 2 का आज टीजर ड्रॉप किया गया है। मुझे लगता है इसको टीजर न कहकर ग्लिम्स कहना अच्छा होगा, क्योंकि टीजर के अंदर एक मूवी का जो वर्ल्ड है उसको दर्शकों से रूबरू करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली कल इसका ट्रेलर भी आ जाएगा, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। और अगर कल ट्रेलर लाना ही था तो आज टीजर नाम का ये ग्लिम्स लाने का क्या जरूरत था। एनीवे, आप बताइए आपको ये टीजर कैसा लगा। नंबर 2, ओ माय गॉड 2 का ट्रेलर आ रहा है। CBFC के तरफ से ट्रेलर को UA सर्टिफिकेट दिया गया है। 3:09 का ट्रेलर है और खबर ये आ रहा है कि ट्रेलर को ठीक फिल्म रिलीज के एक हफ्ते पहले शोकेस किया जाएगा, यानी 4 अगस्त को। माइंडलेस लॉजिकलेस फिल्मों को CBFC का सर्टिफिकेट मिल रहा है, जिससे लोगों को कुछ सीख मिल सकता है। उसी को लेकर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों को। क्या देश वाकई आगे बढ़ रही है या 100-200 साल पीछे चली गई। एनीवे, नंबर 3, 27 जुलाई को राज्यसभा में सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया गया है, जिसे पायरेसी पर 3 साल की जेल और प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% फाइन भरना पड़ेगा। और CBFC सर्टिफिकेट्स में 3 नए कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, UA 7+, UA 13+, UA 16+। मतलब इन उम्र के कम बच्चों को मूवी देखने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। नंबर 4, गदर 2 का एडवांस बुकिंग जोरों से चल रहा है। कल शाम से इस मूवी का एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी इस मूवी का ऑलमोस्ट 15% टिकट्स सोल्ड आउट हो चुका है। मतलब ओपनिंग गदर 2 का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। नंबर 5, 2022 में Amazon Prime पर एक तमिल वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था सुझल या फिर सुडल। अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा एक वेब सीरीज है। इस सीरीज को लिखा था पुष्करण गायत्री, जो कि विक्रम वेदा मूवी का डायरेक्टर था। अब खबर ये है कि अब इस शो का सीजन 2 आ रहा है। ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारे टेस्ट शूट्स भी कर लिया गया है। बहुत जल्द इस सीजन का एक अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। नंबर 6, 2018 की तमिल मूवी कोलामावु कोकिला, जो कि नेल्सन दिलीप कुमार की डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी है, स्टारिंग नयनतारा योगी बाबू। बहुत ही एक अच्छी मूवी है। नेल्सन दिलीप कुमार की अपकमिंग मूवी जेलर का ऑडियो लॉन्च के दौरान एक्टर योगी बाबू ने यह कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी का अब एक सीक्वल बन रहा है। नंबर 7, विपुल अमृतलाल शाह डायरेक्टेड कमांडो सीरीज का आज ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर के अंदर पूरा स्टोरी ही रिवील कर दिया गया है। स्टोरी एकदम जाना पहचाना है, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस देखकर अच्छा लग रहा है। देखते हैं सीरीज कैसा रहता है। नंबर 8, वेलकम 3 से एक के बाद एक न्यूज़ आ रहा है। पहले संजय दत्त अरशद वर्सी, फिर मिका सिंह दलेर मेहंदी, जिसके बारे में वीडियो हमारे चैनल में है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इस मूवी के अंदर बॉबी देओल को भी कास्ट किया गया है। नंबर 9, कन्नड़ सुपरस्टार शिवा राजकुमार की अपकमिंग मूवी घोस्ट, जो कि एक एक्शन हाइस्ट थ्रिलर मूवी है। मेकर्स ये प्लान कर रहे हैं कि सलार पार्ट 1 के साथ इस मूवी का ट्रेलर अटैच करने के लिए। नंबर 10, कहा जा रहा है कि जूनियर इंटर की अपकमिंग मूवी देवरा में जूनियर इंटर का डबल रोल रहने वाला है। वही सेम फादर सन वाला फंडा दोनों टाइमलाइन में दिखाया जाएगा। पिछले कई दिनों से ये सेम ट्रोप देख देख कर अब सच में बोर हो गया हूँ। देखते हैं क्या होता है। नंबर 11, YRF स्पाइनिवर्स की नेक्स्ट मूवी है टाइगर 3, और वॉर 2 का एक कनेक्शन रहने वाला है इसके साथ। अपडेट ये है कि जहां टाइगर 3 ख़त्म होगा, उसी के किसी इंसिडेंट से वॉर 2 शुरू होगा, और वॉर 2 जहां ख़त्म होगा वहीं से टाइगर वर्सेस पठान शुरू होगा। इंटरेस्टिंग राइट। नंबर 12, चंद्रमुखी 2 से राघव लॉरेंस का फर्स्ट लुक पोस्टर आज ड्रॉप किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक लुक्स है। ये एक पैन इंडिया फिल्म होने जा रही है। इस साल की गणेश चतुर्थी में इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू। जय सिनेमा।